वीडियो में एक पंगा ले लिया है। पंगा ये है कि मुझे आज पूरे दिन भर में 10,000 कैलोरी खानी है, उन 10,000 कैलोरी को बर्न भी करना है। अगर मुझे कुछ हो गया तो सुजीत को पकड़ लेना। आज के बाद मैगी नहीं खाऊंगा। 1200 कैलोरी। साइकिलिंग में मजा आ रहा है, हो गया काम। यहाँ पत्थरों में लाया था, पंचर हो गया। बड़ा नहीं, वह नाम है अपना। दस मिनट में हार्ट रेट ऐसी हो गया, नहीं हो पा रही है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं उठा था सुबह 3 AM, अभी बज चुके होंगे 4:10। मैंने आज की वीडियो में एक पंगा ले लिया है। पंगा ये है कि मुझे आज पूरे दिन भर में 10,000 कैलोरी खानी है, सेम टाइम उन 10,000 कैलोरी को बर्न भी करना है। अब 10,000 कैलोरी खाने के लिए मुझे अनहेल्दी फूड खाना पड़ेगा ऑफकोर्स, क्योंकि हेल्दी फूड से इतनी ज़्यादा कैलोरी खाना इज इम्पॉसिबल। बट सेम टाइम क्या क्या फिजिकल एक्टिविटी करके मैं वो 10,000 कैलोरी बर्न करूँगा, वो ही आज की वीडियो में जो पंगा है वो देखने को आपको मिलेगा। बट सेम टाइम सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बोलूँगा, प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम। आप बिल्कुल ये सब ट्राई मत करना, ना ऐसा पंगा लेना। मैं क्विकली चेंज कर लेता हूँ और फिर मिलता हूँ। रेडी? तो सुजीत आने वाला है मेरी पहली मील लेके, और मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मेरी पहली मील में क्या क्या आइटम्स होंगे और कितनी कैलोरी मुझे इतनी सुबह सुबह खानी पड़ेगी। बट मैं यूजुअली दिन में 2800 से 3000 कैलोरी खाता हूँ और उतनी ही बर्न करता हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। गुड मॉर्निंग सर, हियर इज द मील। ये चार में से पहली मील है और मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से कितना कितना क्या लेना है। मुझे तो देख के अजीब सा हो रहा है, इतना खाना सुबह सुबह, और वो भी ये। बट ब्राउनी, डोनट्स, चोकोज विद मिल्क, 4 स्लाइस ऑफ ब्रेड विद जैम एंड 1 पैकेट ऑफ ओरियो, 2600 कैलोरी। लेट्स ट्राई इट आउट। मुझे लग रहा है मेरे खाने में पूरा दिन निकल जाएगा। आई थिंक मुझे आधा घंटा हो गया होगा खाते हुए। तो पिछले 10 सालों में मुझे याद नहीं है कि मैंने सुबह उठते ही कुछ खा लिया हो। टिल द टाइम मैं कार्डियो ना कर लूं फॉर अबाउट 50 मिनट्स, मैं कुछ नहीं खाता हूं। सो वी लेफ्ट विद ओरियो का पूरा पैकेट। तो एक काम करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 50 मिनट हो चुके हैं मुझे खाते हुए, अब मुझे इसको बर्न भी करना है, तो मैं इसको ऑन द वे खाऊंगा और लेट्स सी फर्स्ट एक्टिविटी क्या होगी। ये ओरियो बचे मेरे पास ना, खा रहा हूँ। और ये घड़ी आज का सहारा है हमारा कि कितनी कैलोरी हम बर्न करेंगे, सब कुछ इसमें देखेगा। सो लेफ्ट विद लास्ट ओरियो, 2600 कैलोरी डन। अब हम आ गए वादियों में और करेंगे रनिंग, और 2600 कैलोरी बर्न करनी है, देखते हैं कितनी कर पाते। तो हमें 6:30 बज चुके हैं और हम अपनी रनिंग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, करते हैं। ये 2600 खा तो लिए, बट अभी 20 मिनट हुए हैं सिर्फ मुझे अभी। ओहो, और मुश्किल से 150 कैलोरी खर्च हुई हैं अभी, बट हिम्मत नहीं हारनी, करनी है। चलो मैं कर लूँ तुम्हें ज्वाइन। राम राम। एक घंटा रनिंग कर लिया और मेरी घड़ी बता रही है कि मैं 590 कैलोरी, 600 कैलोरी के आसपास बर्न कर चुका हूँ, और बीच में रेस्ट नहीं लिया बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, बस जहाँ बिल्कुल हार्ट रेट बहुत बढ़ जाती थी तो थोड़ा सा वॉक कर लो, पानी पी लूँ थोड़ा, और 2-3 मिनट ब्रेक लेंगे फिर करेंगे आगे। बर्न करनी है 2600। क्या पंगा ले लिया है। सुजीत खड़ा हुआ है आगे, थोड़ा ब्रेक लेते हैं, पानी पीते हैं। बीच में हमने 2-3 स्प्रिंट भी मारी है और टाइम 1 घंटा 50 मिनट हुए हैं, और ये दिखा रहा है 1100
20 कैलोरी, मतलब 1200 कैलोरी बर्न नहीं हुई और मेरी हालत टाइट हो गई है। 2600 तो क्या ही बर्न करेंगे, 1500 ही हो जाए तो मुझे लग रहा है मुझे थोड़ी हाई इंटेंस कुछ करना पड़ेगा। हाई इंटेंस भी कर लिया, टोटल 2.5 घंटे हो चुके हैं और ये दिखा रहा है 1710 कैलोरी बर्न कर चुका हूँ। बट माँ कसम सांस नहीं आ रहा यार, बट इसको राउंड फिगर करूँगा, 1710 को 1800 करूँगा और स्प्रिंट और थोड़ा 90 कैलोरी के लिए जान लगानी पड़ेगी। भाई इससे ज़्यादा तो जान ले लो, 1800 बोला था, 1830 कैलोरी हो गई है, 2600 खा तो ली थी तो 1 घंटे में खाया, जिसको निकालने में मेरे ख्याल से 4.5-5 घंटे लग जाएंगे क्योंकि अभी तो 3 घंटे भी नहीं हुए हैं, थोड़ा सा टाइम रह गया। और 1830 कैलोरी बस यार, इतना ही हो पाएगा अभी तो। मत खाया करो इतना। तो बात है ऐसी, 10 बज चुके हैं, टाइम नहीं है ज़्यादा हमारे पास, 1830 कैलोरी मैं बर्न कर चुका हूँ, 2600 ऑलरेडी खा चुका हूँ, क्विकली शार लूँगा और वीडियो में आगे बढ़ूँ। हाँ तो मैं हूँ अब रेडी एकदम। हाँ, बिल्कुल नहा के सर मैं भी रेडी हूँ। अब बताओ नेक्स्ट क्या है? अब पता है आप चिट उठाओ, आपकी नेक्स्ट जो मील है हाँ वो इस चिट में लिखी है। अरे मील तो अपनी मर्जी से खाने दो। नहीं, चिट उठानी है। हाँ। अब जो इसमें लिखा हुआ होगा ना हाँ, वो ऑर्डर करना और वही खाना है। अच्छा, चीज बस पिज्जा एंड कोक। कैलोरीज भी तो देखो, 3000 कैलोरी। अब देख पिज्जा खाना ही है ना। हाँ। तो मेरी फेवरेट जगह चलते हैं। डन, ठीक है। बाल खराब हो जाते हैं। तो हम आ गए दिल्ली हाइट्स, मेरा ऑर्डर तो फिक्स है, ये लोग ऑर्डर कर रहे हैं। तो मदन एक चीज बस फुल साइज वेज पिज्जा। तो हमारे साथ एक लोचा हो गया है, तो हमने जो कैलोरी चेक करी थी वो पिज्जा हट के पिज्जा की चेक करी थी, बट यहाँ पे जो इनसे मैंने चेक किया है इनके ये चीज़ बस पिज़्ज़ा में 1900 कैलोरी है। बट चिंता मत करो, 1900 ये दे रहा है, 100 ये दे रहा है और ये भी दे ही देंगे 100 तो, ठीक है, सब मैं पीने वाला हूँ। बट मैंने एक डिश और ऑर्डर कर दिया सो दैट हम वो अपने नियर अबाउट 3000 के क्लोज कर दें। लो जी अपनी सेकंड डिश आ गई है, ये है डीप फ्राइड पोटैटो वेजीज। अब टेंशन इसको बर्न करने की है, अभी तो सुबह की बची हुई है। ये बिल्कुल सीरियस है, मुझे ये याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने पिज्ज़ा कब खाया था, और अगर खाया भी होगा तो एक आधी स्लाइस, मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ जब मैंने पूरा पिज्ज़ा खाया है। अब ये है असली जंग, पता नहीं यार मैं खा भी पाऊंगा नहीं, बट आई विल ट्राई। तीन पीसेज रह गए, बट सच में हालत खराब हो गया और मैं बर्न कैसे कर पाऊंगा मुझे नहीं पता। हलाओ इस नींबू पानी का, इसकी वजह से ही खाया जा रहा है। बात है ऐसी कि ये सीरियस मैटर है, सांस नहीं आ रहा, आई नीड सम ब्रेक नाउ, लेट्स हैव अ स्लीप, सो जा। अब एक्सरसाइज नहीं होगी यार, नहीं हो पाएगी, सच में नहीं हो पाएगी। इट्स 12:55, तो अब हमें क्विकली करना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत सारी कैलोरी बर्न करने के लिए बची है और खाने के लिए भी बची है। तो अभी बहुत ज़्यादा धूप हो चुकी है, तो आई थिंक बेस्ट ये रहेगा कि हम थोड़ी कैलोरी अब जिम में जाके बर्न करते हैं। लो जी जिम आ गए हैं, सेकंड सेशन ऑफ वर्कआउट, अब थोड़ी एनर्जी चाहिए, पावर हाउस पी रहा हूँ सो दैट कम से कम 2500-3000 कैलोरी तो बर्न करूँ। और समय हो चुका है 2 बज चुके हैं, इट्स 2, यही है राइट चॉइस बेबी। सो मुझे कैलोरी बर्न करने के लिए मिक्स ऑफ कार्डियो और थोड़ा हाई इंटेंस वर्कआउट करना पड़ेगा फिर से। तो मेरा टारगेट है कि मैं कम से कम 1000 कैलोरी तो ट्रेडमिल पे ही बर्न करूं, ठीक है ना, बट स्लोली करना, स्लोली स्लोली करूंगा एंड देन ग्रेजुअली बढ़ाऊंगा। सिर्फ 6 मिनट हुए हैं और खाना ना ऐसा लग रहा है बाहर आ जाएगा सब, बट कोई नहीं करेंगे, दिस इज कॉल्ड पोंगा। 8, 10, 12 इसी स्पीड को मेंटेन करे हुए हूँ, 800 कैलोरी 48 सॉरी। मंथली 1000 कैलोरी, मैंने 1020 कैलोरी बर्न कर ली है। ये जो है दिस इज 1000 के ऊपर, 1023, 1024, टाइम इज
60 मिनट्स आई बर्न 1027 कैलोरी। सो एक घंटे ट्रेडमिल हो गया, 10 मिनट ब्रेक लिया था बीच में, बट टाइम नहीं है, लेट्स टेक अ पंगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो सुजीत को पकड़ लेना, छोड़ना मत उसको। लेट्स बर्न इट, कम ऑन। 29 मिनट्स डन, 242 कैलोरी। इसको 30 मिनट करते हैं, 251 कैलोरी एंड ऑलमोस्ट 30 मिनट। लो 5 सेकंड रह गए थे, करता हूँ। 1026 उधर और 250 इधर, तो 1275 और ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो चुका है हमें वर्कआउट करते हुए। 1 घंटा और करनी पड़ेगी, 5-7 मिनट रेस्ट हो गया है, थोड़ी और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी यार। चलो रोप करता हूँ। ओह शिट, पैर में कुछ हो गया लग रहा है। आई थिंक वो शूज़ की वजह से ना स्क्रैच हो गया, बट कोई नहीं, बाकी हम नंगे पैर करते हैं, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है शूज़ में। सबसे पहले तो आप सभी लोग ये बिल्कुल ट्राई मत करना, मैं सुबह 4 बजे से उठा हूँ और 4:21 हो गया और पिछले 2 घंटे 21 मिनट से मैं लगातार एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जो फिज़िकली पॉसिबल नहीं है, बट मैंने मेंटली यह पंगा ले लिया है तो करनी पड़ रही है। मैं यूजुअली चिकन, फिश, राइस, ओट्स, इस तरह की चीज़ें खाता हूँ, बट अभी आज मैंने ये पिज़्ज़ा और ये खा के बड़ा अजीब सा लग रहा है, और अभी मुझे ये नहीं पता मैं आधा और कैसे करूँगा, और बड़ा अजीब सा पेट में हो रहा है, बट लेट्स सी। बट इस वीडियो का एक उद्देश्य है, वो आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा कि मैं इतना सब कुछ क्यों कर रहा हूँ। आप सभी लोगों के लिए एक मैसेज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लास्ट में मैं आपको दूंगा, और देखते हैं और पंगा क्या है। रिकॉर्ड क्या है? रिकॉर्ड ये एप्पल की ऐप बोल रही है, 1170 कैलोरी बर्न हो गई अभी पिछले 2 घंटे 23 मिनट में टोटल। हाँ, ट्रेडमिल की कुछ 1000 हैं और 250 वहाँ की थी, और 850 करीब यहाँ हो गई हैं, अब टोटल मार लो। नेक्स्ट मील, अब ये क्या है? ये आपकी थर्ड मील, चिट उठाओ और मजा करो, क्या खाना है? अरे अभी तो वही डाइजेस्ट नहीं हो रहा यार। कोई बात नहीं सर, अब पंगा लिया है तो अब फटाक से एकदम चिट उठा लो, कोई नहीं। ओहो, ये मैगी वाले कहाँ से आ गए हैं अब? मैगी 3 पैकेट, 5 स्लाइस चीज़ और 0.5 लीटर आइसक्रीम, ये देगी 2500 कैलोरी। ये नहीं हो पाएगा भाई। सर आपने पंगा लिया है, टाटा बाय। खाना भी बहुत मुश्किल है, ऊपर से मैगी। मैगी तो फिर ठीक है, ये जो चीज डाल दिया ना 5 स्लाइस, यहां जम गया। और ये मैगी वैगी ये जो सब लोग रोज खाते रहते हैं, कैसे करते हो भाई तुम लोग, कैसे करते हो? और अभी आई थिंक 1/4 बची होगी, मत करना प्लीज, ये मैं तो पंगा लेके पीछे नहीं हट पा रहा हूँ। ये रही मैगी और ये रही आइसक्रीम। अब मुद्दे की बात ये है, इतना बेल्ट ले लिया मैंने और सुबह से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो मसल का भी ध्यान रखना है, तो कैलोरी चाय और भी एक्स्ट्रा खानी पड़े, बट अब मैं कुछ हेल्दी खाऊंगा यार, तो मैं 2 स्कूप प्रोटीन पी रहा हूँ
जिससे मुझे मिलेंगी 350 कैलोरी। ठीक है, अपना आइसोमैजिक, क्योंकि अभी मुझे और भी एक्सरसाइज करनी है, और एक्सरसाइज करनी है तो मसल से बहुत प्यार है, वो कहीं नहीं जाने चाहिए। सो 2500 और 350, तो 25, 26, 27, 28, 2850 कैलोरी होगी मेरी इस मील में। इसको मैं अब निकलते हैं बर्न करने की तरफ, चलते चलते पी लूँगा। लेट्स बर्न सम कैलोरी विद फुटबॉल खेलने वाले हैं और जिम में बोर हो गए थे, तो लेट्स बर्न सम कैलोरी हियर। दस मिनट में हार्ट रेट ऐसी हो गया। ओहो, बयालीस मिनट हो गया और 270 कैलोरी सिर्फ, मात्र 270। तो इससे काम नहीं बनेगा, कुछ और करना पड़ेगा। अगम टाई 53 मिनट खेलने के बाद हमने बर्न करी हैं 311-12 कैलोरी। तो इससे काम नहीं बन रहा एक्चुअली, यहाँ कैलोरी ज़्यादा खर्च नहीं हो रही है, तो कुछ और करना पड़ेगा। लेट्स फाइंड आउट कि क्या करेंगे। तो फुटबॉल से ज़्यादा कैलोरी बर्न नहीं हुई, मैं बाहर आ गया हूँ और साइकिलिंग करेंगे। सो लेट्स डू इट। पंगा तो ले लिया है। इट्स टायरिंग बट एनीवे, पंगा। पानी कमी ना हो जाए आज शरीर में। 35 मिनट्स हो गया और 230 कैलोरी। फुटबॉल से तो बेटर ही है। टारगेट करते हैं एक घंटे कितना हो पाएगा। लेट्स डू इट, कम ऑन। साइकिलिंग में मज़ा आ रहा है। हाँ चढ़ गया थोड़ा। हाँ ना चढ़ गया था ज़्यादा, टुक अ ब्रेक, बट फिर करूँगा आई थिंक 20-25 मिनट्स मूव। यहाँ पत्थरों में लाया था, पंचर हो गया। शिट, बड़ा नहीं वे। नाम है अपना नितिंदर सिंह। साइकिलिंग और करने का मन था बट बैड लक। अरे रुक जा, बैड लक रहा। 723 कैलोरी हो गई हैं और 1 घंटा 23 मिनट, बट 723 इसमें हुई हैं और फुटबॉल में हुई थी 315 आई थिंक। तो बाकी 100-200 मैं ऐसे कर लेता हूँ, तो ठीक लगा लो 1200 कैलोरी, कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद मैगी नहीं खाऊंगा। 1200 कैलोरी, कुछ और करना पड़ेगा, इससे नहीं हो पाएगा। आई थॉट कि 2 घंटे कर लूँगा बट नहीं हो पाएगा। तो ऐसा है, अब जल्दी जल्दी बता दो क्या करना है। मतलब देखो, वैसे पूरे दिन मैंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया, ठीक है, बहुत पर्ची आउट वाली, बहुत कैलोरीज जल वाली। अब की बार एक काम कर रहे हैं, मैं आपको आउटलेट बता दे रहा हूँ, आप मेन्यू डिसाइड कर लो। चलो, कितनी कैलोरी पूरी करनी है? 2100 के आसपास। चलो मेन्यू वो बताओ, सॉरी आउटलेट। हम बर्गर किंग चल रहे हैं। बर्गर किंग, हाँ चलो मेन्यू देख। तो सर आप ऑर्डर क्या कर रहे हो? मैं ऑर्डर कर रहा हूँ चिकन वॉपर विद कोक और मीडियम फ्राइज और नगेट्स। आई थिंक 2100 कैलोरी हो जाएंगी, कैलकुलेट कर लेंगे। अभी इतना ले तो लिया है, खाया नहीं जाएगा। सर फिर इसको बर्न भी करना है? बर्न तो करेंगे, अब देखेंगे यार कितना होगा। ये लास्ट मील है, अभी 2100 के आसपास आप कैलोरी फिर से इंटेक करोगे। अभी पहले की तो पूरी हो नहीं पा रही। मतलब पहले की भी पूरी जितनी इंटेक हो रही है उतनी बर्न कहाँ हो रही है? करेंगे, बर्न भी करेंगे, देखते रहो।
बैठ के भी खा सकता था, बट आप सभी लोगों का प्यार इतना मिलने लगा तो लोग वहाँ पे इकट्ठा होने लगे थे, तो मैं यहाँ रोड साइड अब इसको फिनिश करता हूँ फटाफट। और मैंने कैलकुलेट कर लिया ये 2100 के करीब कैलोरी है, और बट अब बर्न करने के लिए बहुत सारी बची हुई है, तो वीडियो में बने रहें। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। देखो प्यार तो यहाँ पे भी है लोगों का, बट मुझे ये मील ख़त्म करनी है। लोग तो मुझे देख रहे हैं अजीब अजीब तरीके से, और बट प्यार लोगों को यहाँ भी मिल रहा है, लोग बहुत रुक रहे हैं और मिलने की कोशिश कर रहे हैं, बट मील फटाफट ख़त्म करने, बर्न करनी है बहुत सारी। और टाइम जो है 10 बज चुके हैं। सिर्फ जिम मिलेगा, सो लेट्स गो टू द जिम। तो जी हम आ चुके हैं जिम में, और लास्ट मील हैवी हो गई है बहुत ज्यादा, बट बच चुके हैं 11:15, अप्रोक्सीमेटली हमें 1.25 घंटा हो गया मील करे हुए, ठीक है। तो और हम बर्न कर चुके हैं 5200 कैलोरी टोटल, 5200। अब 4800 कैलोरी का चैलेंज है, यानी 4800 कैलोरीज अभी भी बर्न करनी है। स्टार्ट कर। बर्न करना आसान नहीं है। ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया मुझे एक्सरसाइज करते हुए नॉन स्टॉप। मेरी घड़ी ये कह रही है कि मैंने 670 कैलोरी बर्न करी है अभी सिर्फ। शिट, ऐसे तो मेरे को सुबह हो जाएगी। ऑलमोस्ट 1:50 हो गया, और ऐप बोल रहा है 1345 कैलोरी बर्न हो चुकी हैं, और 4800 कैसे करूँगा यार 1345। चलो पहले एक फिगर पे तो पहुँचूँ। दो घंटे से ऊपर हो गए हैं, 1624 कैलोरी हुई हैं, बट नहीं हो पा रही अब ना। कोई बात नहीं यार, तुम भी अपनी हो, बट नहीं इसमें कोई शेक ही नहीं है। मैं 4 बजे का उठा हुआ हूँ, 4 बजे से उठा हुआ हूँ, और मैं अगर 2.5 घंटे और जाग लूँ तो 24 घंटे हो जाएंगे ना। नो नो, तो आप सभी लोग देख ही रहे हो मेरी हालत कैसी है। मैंने 1624 अभी और 5200 के करीब अगर टोटल कर लो 6800 कैलोरी बर्न करी है, 10,000+ खाई है, तो यानी खाना आसान था, बर्न करना बहुत मुश्किल था। यही वीडियो में मैं सभी लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ कि आप कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, जंक फूड खाते रहते हो बिना सोचे समझे। सोचो शरीर को कितनी जान लगानी पड़ती है उन कैलोरीज को बर्न करने के लिए। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि खाना आसान है, निकालना बहुत मुश्किल। सो बस यही मेरी वीडियो का मैसेज था, देखभाल के खाया करो यार, और इट्स नॉट वर्थ इट, एंड डोंट ट्राई प्लीज़। कोई भी इसको ट्राई ना करे, मेरी हाथ जोड़ के विनती है। टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल।